चलिए हम बात करते हैं हमारी पहली अपडेट की तरफ से। हमारी पहली अपडेट आती है, एक फ्रॉड केस हुआ है यूपीआई के साथ में, जो पीएम केयर फंड है उसके साथ। एक केयर्स नाम का एक फंड बनाया गया था, फ्रॉड फंड था, ये डुप्लीकेट अकाउंट था। जो ऑफिशियल अकाउंट है उसकी फ़ोटो मैंने आपको दिखाई हुई स्क्रीन के ऊपर, यही है मोदी जी का प्योर प्रधानमंत्री द्वारा डोनेशन ऐप UPI ID। और हमारी अब दूसरी अपडेट आती है हुवावे की तरफ से। हुवावे को ऐसा लगता है कि हमें गूगल की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हुवावे के पास ऑफिशियल गूगल का सपोर्ट नहीं है। वो हुवावे के जो फ़ोन लेता है उसको किसी प्रकार का जुगाड़ लगा के अपना गूगल का सपोर्ट लेना पड़ता है, लेकिन अब लगता है हुवावे को कि हमें ऑफिशियल गूगल की सपोर्ट चाहिए, ऐसा लग रहा है। हो सकता है अब आगे देखते होता है क्या। हमारी थर्ड अपडेट आती है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब ने अपनी वीडियो क्वालिटी को 480p पे सेट कर दिया है, क्योंकि ये COVID-19 के चलते इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसीलिए HD नहीं करके 480p पे सेट कर दिया गया है। इसी प्रकार से हमारे फोर्थ अपडेट आती है गूगल की तरफ से। गूगल आपकी अप्रैल पे नो फ्रैंक करेगा, यानी अप्रैल फुल नहीं बनाएगा, किसी को कोई अप्रैल जॉक वगैरह नहीं भेजेगा गूगल अपनी तरफ से। इसी प्रकार से हमारी फिफ्थ अपडेट आती है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का M11 अपनी वेबसाइट पे लीक हो गया है, लगता है ये बहुत जल्द इंडिया में देखने को मिल सकता है। ये 10,000 के अंडर आ सकता है, अंडर 10 के। और हमारी सिक्स अपडेट आती है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस की तरफ से आज दो अपडेट आती हैं, जिनमें से पहली अपडेट है वन प्लस 8 इंडिया में लॉन्च डेट आ चुकी है, 14 अप्रैल को ये इंडिया में लॉन्च होगा। देखते हैं होगा नहीं होगा, वो आगे देखा जाएगा। और वन प्लस की एक नई सीरीज़ हमें देखने को मिल सकती है, वन प्लस जेड, जो वन प्लस 8 का लाइटर भी कह सकते हैं उसे। अगली हमारी अपडेट रही थी टाटा स्काई की तरफ से। टाटा स्काई ने कल अपनी फिटनेस सर्विस को फ्री किया था, आज टाटा स्काई ने लैंडलाइन और कॉलिंग को भी फ्री कर दिया है। अगर आपके पास टाटा स्काई ब्रॉडबैंड है तो आप लैंडलाइन और कॉलिंग फ्री कर सकते हैं। अगली हमारी अपडेट आती है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप ने अपनी स्टेटस की लिमिट लगा दी है, आप 15 सेकेंड से ज़्यादा व्हाट्सएप में अपने स्टेटस नहीं लगा सकते। इंटरनेट को बचाने के लिए ये कदम व्हाट्सएप ने उठाया है। चलिए आज